अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक खुशबाश और हमेशा की तरह फिट फाट होंगे। और आज मेरे किचन में बन रही है मटन की देसी स्टाइल की कढ़ाई, जो बहुत ईजी रेसिपी है, और बना रहे हैं साजिद। तो शेयर करती हूँ आपसे रेसिपी। ऑयल, बस फिर इसमें डालेंगे प्याज, ये बन रही है कितनी प्याज हमारी है? देसी कढ़ाई। हाँ, दो प्याज है, ये हमारी बन रही है देसी कढ़ाई। इसको थोड़ी देर फ्राई करना है, ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना है इसको, बस थोड़ी देर फ्राई करना है इसको, यानी कि प्याज ब्राउन नहीं करने हमने, पिंक करने हैं। हाँ पिंक करना है बस। प्याज पिंक हो गई। अब इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच नमक, और पापा का भी फोन आ गया है, और नमक आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। हम लोग कम खाते हैं इसलिए हम कम इस्तेमाल करेंगे, और चम्मच भी छोटा है। और साथ ही शामिल करेंगे 2 चम्मच लाल मिर्च। आप लोग चाहें तो नमक मिर्च अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। हेलो मेरे बच्चे, हाँ जी, और क्या हाल चाल है? इधर भी बस खाना बन रहा। साजिद तो ना आ रहे हैं मटन कढ़ाई। अच्छा, तू लाई रहा है मेरे मुंडे नु काम है। अभी अभी आए, बस हाथ बुध होया तो लग गए। एक दुकान से ड्यूटी करे, एक घर भी करे आ गए। बस पापा ऐसे तेरे आपके नक्शे कदम पे हैं। मटन किन को आ रहे हो? आप ही खा रहे हैं, हम दोनों मिलजुल के। और अब इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े टमाटर। थोड़ा सा भूनना है ताकि टमाटर साफ हो जाए इसके। और फिर अच्छा सा पेस्ट बन जाए। और कितने अरसे के बाद आप खाना बना रहे हैं साहब? अभी टाइम बाद बना रहा हूँ, तो टाइम ही नहीं मिलता तो फिर क्या करना। फिर ये 1 kg गोश्त है, ठीक है। और ये मैंने उबाइल कर लिया हुआ था पहले, ये मैं अब इसमें ऐड कर दूँगा। लहसुन जब मैंने गोश्त उबाइल किया तो उसमें मैंने 2 चम्मच लहसुन डाल दिया था। अब इसको 10 से 15 मिनट हम लोग उसको ढक्कन ढक के रख देंगे ताकि मसाला सही हो जाएगा उसका। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। सब मसाले जा रखे, बाहर का मसाला कोई भी नहीं है। ये है सूखा धनिया, ठीक है, 2 चम्मच, आधा चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, आज मैं देसी फुल्की कढ़ाई खिलाता हूँ। क्या कह रहे हैं? आज मैंने कहा देसी फुल्की कढ़ाई खिलाता हूँ आज। अच्छा, जी जी, आप किसी भी तरह की खिलाएं, बस बना लिया करें। इसमें आधा ग्लास पानी ऐड करेंगे ताकि जो गोश्त में थोड़ी बहुत कसर हुई तो वो ख़त्म हो जाएगी। अब इसको 10 मिनट के लिए ढक देंगे। चलें, आप जब तक रेडी हो जाए और मैं भी सुफरा लगा देती हूँ। इसमें डाल दिए और गोश्त तकरीबन गल गया। अब थोड़ी सी आंच तेज़ कर लेंगे तो जो जो पानी के ये खुश्क हो जाए। और आपने शर्ट भी चेंज कर ली? हाँ, कपड़े भी मैंने चेंज कर लिए। अच्छा, ये बार बार रेड क्यों पहनते हैं? रेड में रूम क्या आपको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, फेवरेट कलर है ना मेरा। अच्छा, चल इसलिए मैं आपकी लेती भी ज़्यादा रेड हूँ। तकरीबन है अभी रेड ही। कितना टाइम है भूख लग रही है? बस रेडी है और पानी बस। मसाला तो हो गया, तकरीबन हो गया मसाला, बस पानी खुश्क हो गया। गोश्त इतना गल गया कि हड्डी सरक हो गया। जो तो ऑयल ऊपर आ गया और पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला और काली मिर्च।
आधा चम्मच गरम मसाला और ये आधा चम्मच काली मिर्च। ये असल में सिंपल कढ़ाई है, इसमें घर के ही मसाले पड़ते हैं, बाजार का मसाला कोई भी नहीं इसमें ऐड होता। और घर के भी कम ही पड़ते हैं, घर के भी कम ही पड़ते हैं, नहीं तो लोग इतना इतना मसाला डाल के गोश्त का कलर ख़राब कर देते हैं। अच्छा वाला गोश्त होता है पिंक पिंक, और जब पकता है तो काली हो जाता है। एकदम जैसे कि गोश्त का कलर चेक कर सकती है। कितना टाइम है अब? बस 5 मिनट में सुफरा लगाओ, बस रेडी। मैं सुफरा लगा चुकी हूँ। सुफरा लगा चुकी हूँ आप जब चेंज कर रहे थे मैंने सुफरा भी लगाया और प्लेट्स भी रख दी। सही, ठीक है। एक मिनट में मैं करके आई। मैं ये जब तक ये मैं सारे ये पकड़े मेरे, मैं धनिया ये काट रही थी ना, हरी मिर्ची अदरक। हाँ सही है, मैंने क्या कहा है, कुछ कहा है मैंने? नहीं नहीं, अब ये काम करती कि मैं सुफरा लगाती बस, ठीक है आप ये करें, मैं फटाफट सुफरा लगा के। हाँ, सुफरा लगाओ। अच्छा ये लपकड़े मेरे मुंह पर, ये भी चीजें डालनी है ना अभी, बस समझो डाल गई हैं। तो दो मिनट ठहरो ना, ठहरो ना, मैंने गरम मसाला वगैरह डाला जरा, वो भी तो जरा, कहते कच्चे मसाले नहीं खाने चाहिए। कढ़ाई हमारी रेडी हो गई है, ड्रेसिंग के लिए डालेंगे धनिया अदरक और हरी मिर्च। और मैं सुफरा भी लगा रही हूँ, प्लेट्स रखी है, देख लिया सुफरा तुझे लगा रही है। सारी देख टाइम में मैं एक काम करूँ ना, या तो सुफरा लगाऊंगी या मैं कटिंग करूंगी। हाँ ये बात है, बस फटाफट ले आए, बस रेडी है, बस ये देखो रेडी है। ऐसी कढ़ाई उठा के ले आए। हाँ कढ़ाई ले आऊंगा, चले चले फटाफट हो, चलो बस आ गए। चल आपने कढ़ाई उठा के लेके जानी है, मेरे थोड़ी लेके जानी है। चूल्हा बन, चूल्हा बन, चूल्हा बन, सब कुछ मैंने करना, आप पता नहीं क्या करेंगे। देखिए मैंने सुफरा, ओहो रोटी नहीं मैंने रखी, पानी भी नहीं रखा। हाँ ताकि पता लगे आप बहुत काम करते हैं। पानी भी लेके आओ, पानी भी फिर ले आए। नहीं नहीं मैं लेके आती, बैठे बैठे फटे पानी भी लेके आती हूँ। पानी ये मैंने रखा हुआ है बहुत, इतना मैं ही पीती हूँ बस। चले 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 डाले फटाफट। माशाल्लाह मजेदार, पक्की पकाई चीज मिल जाए तो उसकी तो बात ही अलग है। कभी गुरूर ही नहीं किया। किस बात का? कि खाना पका लेते हैं। कटिंग भी क्या करें ना आप, कटिंग अच्छा पका लेते हैं। हाँ कटिंग भी आप करते हैं, बस कटिंग भी क्या करें साथ। फिर जरा मुझे तो स्पून इधर करें, मैं तो लूँ। आज मैंने सैलड वगैरह कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि कुछ प्लान नहीं था। फिर फटाफट बस मैंने प्रेशर में गोश्त बनाया, और वैसे हम प्रेशर कुकर का इतना इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन आज मुझे बहुत जल्दी थी क्योंकि साजिद ने कहा कि मैं खाना बनाऊंगा ना फटाफट प्रेशर कुकर में। कैसे बना साजिद? बहुत ज़बरदस्त। आप तो तारीफ़ करेंगे कि आपने बनाया, मैं भी खा के तारीफ़ कर देती हूँ आपकी। बिस्मिल्लाह। नाके बहुत मज़ेदार है। चलो खाना खाते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़।